तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो की जेनिफर मिस्त्री लगातार खबरों में छाई हुई है। जेनिफर ने हाल ही में शो के प्रोड्यूसर असित मोदी पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया। इसके बाद ही तारक मेहता के मेकर्स ने उन पर अनुशासनहीनता और गाली गलौज देने की बात कही। वहीं अब शो के एक्स डायरेक्टर मालव राजदा ने इस पूरे मामले पर रिएक्ट किया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एक्स डायरेक्टर मालव राजदा ने हाल ही में इस पूरे मामले को लेकर ई टाइम से बात की। मालव ने जेनिफर के व्यवहार को लेकर कहा, मैंने उनके साथ 14 सालों तक सेट पर काम किया। वह सेट पर सबसे ज्यादा खुशमिजाज लोगों में से हैं। उनका व्यवहार हर किसी के साथ काफी अच्छा है, फिर चाहे वो टेक्निकल टीम हो, डायरेक्शन टीम हो, डीओपी हो, हेयर मेकअप हो या फिर उनके को स्टार, सभी के साथ सेट पर उनके संबंध अच्छे थे। उन्होंने कभी भी सेट पर मेरे सामने किसी के साथ कोई बदसलूकी या फिर गाली गलौज नहीं की। मालव जाधव ने असित मोदी के उन दावों पर भी बात की जिसमें उन्होंने कहा कि जेनिफर अनुशासनहीन है, वह सेट पर हमेशा लेट आती हैं जिसकी वजह से शो को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। मालव ने कहा, जहां तक ये दावे किए जा रहे हैं कि वह सेट पर देरी से आती थी, तो मैं बता दूं कि पिछले 14 सालों में मेरे सामने ऐसा कभी नहीं हुआ जेनिफर की वजह से मेरे शूट को नुकसान उठाना पड़ा हो। शो के कई अन्य कलाकार शूट पर देर से पहुंचते थे, हर कोई मुंबई के ट्रैफिक से वाकिफ है। एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।